सच साहस सरोकार। पीएम मोदी ने सुखविंदर सिंह सुक्खू को दी बधाई, बोले केंद्र की ओर से हर संभव सहयोग मिलेगा। ट्विटर पर भिड़े अमित मालवीय और साकेत गोखले, टीएमसी प्रवक्ता ने बताया फेक न्यूज खुली। देवरिया में डीएम एसपी ने गौशाला का किया निरीक्षण, संबंधित लोगों को दिशा आवश्यक निर्देश दिए। औरैया में एसजीएसटी की कार्रवाई से व्यापारियों में आक्रोश, एमएलए को सीएम योगी के नाम का सौंपा ज्ञापन। विराट ने 39 महीने बाद वनडे में लगाया सैकड़ा, 72वां अंतरराष्ट्रीय शतक लगाकर पोंटिंग को छोड़ा पीछे। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। योगी आदित्यनाथ वाराणसी के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की और लाभार्थियों को आवास की चाबी बांटी। इस दौरान उन्होंने संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में प्रबुद्धन सम्मेलन को संबोधित किया। काशी विश्वनाथ धाम, जहां पर पहले संक्रिय और कुंज गलियों के माध्यम से मैं जाना होता था, लोग मानते थे पता नहीं कब क्या हो जाए। आज भाइयों बहनों, जिस काशी में पहले वर्ष में 1 करोड़ श्रद्धालु आते थे, अब 1 महीने में ही 1 करोड़ श्रद्धालु काशी में आ रहे हैं। एक नई बदलती हुई काशी को उससे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर से युक्त करते हुए 4 लेन की कनेक्टिविटी हर ओर से, आज आप देख रहे होंगे कि अमृत महोत्सव वर्ष में भारत G20 देशों का नेतृत्व भी कर रहा है। G20 में वे देश 20 देश हैं जिनका दुनिया के 75% व्यापार पर अधिकार है, जिनका दुनिया के 85% GDP पर अधिकार है और जिनका दुनिया के अंदर 90% पेटेंट पर अधिकार है और जिनके पास दुनिया की 60% आबादी निवास करती है। उन 20 प्रतिष्ठित देशों का नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 1 दिसंबर से भारत के पास आया है। ये भारत के लिए आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में ये गौरव की बात हो सकती है। खबर गाजीपुर से है, यहाँ पर रोड पे पर बने कई मकानों को प्रशासन ने ध्वस्त किया है। हाईकोर्ट के आदेश पर प्रशासन ने ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की है। बता दें कि हाईकोर्ट ने 15 मकानों को ध्वस्त करने का आदेश दिया था। पूरा मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के मीरनपुर सक्का गांव का है, जहां रोड पर अवैध अतिक्रमण कर लोगों ने अपने मकान बनवा लिए थे। इस मामले पर हाईकोर्ट ने बेदखली का आदेश दिया था। हाईकोर्ट के आदेश पर स्थानीय प्रशासन ने रोड पर अवैध अतिक्रमण कर बनाए कई मकानों को ध्वस्त कर दिया है। राजी है उस पर 15 मकानों के खिलाफ बेदखली का आदेश पारित हुआ था, तो उसी आदेश के अनुपालन के क्रम में हम लोग आज यहाँ पर आए हैं, जिसमें 15 मकानों के खिलाफ हमें कार्यवाही करने का आदेश हुआ है। ये कार्रवाई क्या आज पूरा हो पाएगी या कई दिनों तक चलेगी? नहीं, अभी आज हमने कुछ मकानों को तोड़ा है तथा शेष लोगों ने हमसे 15 दिन का समय मांगा है कि खबर यूपी के औरैया जिले से है। प्रदेश भर में जीएसटी सर्वे के नाम पर की जा रही ताबड़तोड़ छापेमारी के विरोध में यहां व्यापारियों का आक्रोश भड़क उठा है। औरैया शहर कोतवाली क्षेत्र के फूलमती मंदिर रोड पर व्यापार मंडल ने जीएसटी छापेमारी के विरोध में न सिर्फ बीजेपी विधायक का घेराव किया, बल्कि मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन भाजपा विधायक को सौंपा है। जीएसटी के विरोध में व्यापारियों ने बाजार बंद करते हुए अपना विरोध भी दर्ज कराया है। व्यापारियों का कहना है कि इस तरीके से उत्पीड़न किया जा रहा है, इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जीएसटी विभाग द्वारा जो व्यापारियों के सर्वे किए जा रहे हैं, उसके विरोध में मुख्यमंत्री को संबंधित ज्ञापन भेजा गया है विधायक के द्वारा, क्योंकि जो पूरे प्रदेश में जो जीएसटी विभाग द्वारा सर्वे किया जा रहा है, इसका पूरे प्रदेश का व्यापारी विरोध कर रहा है। इस संदर्भ में विधायक को ज्ञापन दिया गया। क्रांति नेतृत्व के आह्वान पर
आज पूरे प्रदेश में क्षेत्रीय विधायकों को जीएसटी सर्वे और छापे के विरोध में माननीय मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन विधायिका को दिया जाएगा और उनका सांकेतिक घेराव भी हम लोग करेंगे। देश में जीएसटी को लेकर छापामारी हो रही है, आधा नहीं छोड़ा। ये विज्ञापन हम मुख्यमंत्री जी तक जाएंगे और इसकी मांग करेंगे, जो इसका समाधान निकालेंगे और एक दो दिन में ही जाने वाले हैं। देवरिया में डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह और पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा ने विकासखंड बैतालपुर के ग्राम पंचायत बल टिकरा में अस्थायी निराश्रित गौ आश्रय स्थल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय गौ आश्रय स्थल में कुल 25 गोवंश संरक्षित मिले, साथ ही गोवंशों के लिए पर्याप्त मात्रा में चारा भी उपलब्ध मिला। गोवंश को ठंड से बचाने के तिरपाल की व्यवस्था की गई थी। डीएम ने ठंड को देखते हुए गोवंशों को काऊ कोट पहनाने व आवश्यकता अनुसार अलाव जलाने का भी निर्देश दिया। निरीक्षण के दौरान डीएम को पता चला कि 8 नवंबर से इस गौशाला के लिए निधि का आवंटन नहीं हुआ है, जिस पर उन्होंने नाराजगी जाहिर करते हुए एडीओ पंचायत समेत संबंधित अधिकारियों को जरूरी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। स्थल बना हुआ है ताकि जानवरों को, छोटे जानवरों को दिक्कत ना हो, इसमें प्रधान के स्तर से संचालन किया जा रहा है और वो अपनी व्यवस्थाएं करी है और इस समय शीतलहरी से बचने के लिए जो बेसिक होना चाहिए वो है, परंतु ग्राम पंचायत निधि में पैसा नहीं मिला है। इसके लिए शासनादेश भी है कि वित्त आयोग का जो पैसा है उससे भी पैसा मिलना है, परंतु 8 नवंबर से अब तक ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। इसके क्रम में जो पंचायत सेक्रेटरी हैं और जो अन्य संबंधित के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। चंदौली में नेशनल हाईवे पर लोडर गाड़ी का टायर फटने से हादसा हो गया। हादसे में कई लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। मालूम हो कि शासन ने ये आदेश दे रखा है कि लोडर गाड़ियों से सवारियां न ढोई जाएं, बावजूद इसके जिले में लगातार इन आदेशों की अवहेलना हो रही है और आरटीओ मुख्य दर्शक बना हुआ है। अच्छा, क्या लेकर जा रहे थे आप लोग? दूध। कौन सी गाड़ी रही? कैसे हुआ? टायर फूट गया। अच्छा, तो गाड़ी क्या स्थिति रही, पलट गई थी? लहरियाए के बाद कुछ देर तक लहरियाई रह जाए। कितने लोग घायल हैं आप लोग? जी अभी एक एक्सीडेंट हुआ है, कैसे हुआ? एक गाड़ी बनारस जा रही है, पीछे वाला चक्का फूट गया। अच्छा अच्छा, गाड़ी में क्या था? अभी सभी लोग व्यापारी थे कि क्या थे? सब इसमें कितने लोग घायल हैं लगभग आपके अंदाजा? 10 लोग घायल। अंबेडकर नगर में बीती 4 दिसंबर को इब्राहिमपुर थाना क्षेत्र के बनकटवा गांव में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गई थी, जिसमें एक पक्ष के 2 लोगों को गंभीर चोटें आई थी। मामला स्थानीय थाना इब्राहिमपुर पहुंचा, जहां पुलिस ने चोटिल महिला पक्ष के ऊपर एक तरफा कार्यवाही करते हुए बगैर मेडिकल परीक्षण कराए जेल भेज दिया। जेल में बंद महिला 2 दिन तक दर्द से चीखती रही, तब जेल प्रशासन ने महिला को जिला अस्पताल पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के दौरान पता चला कि महिला का हार्ट टूट गया है। तुलसीपुर बनकठा के और पसराम घर में हल के हमारे बिटिया का और हमहू का मार के पसराम अग्राम छंगू और अमरौता मीरा 5 जने घर में हल के मार के भाग गई और थाने पे कौनो सुनवाई ना भय हमारा। बुलंदशहर के अहमदगढ़ में जीएसटी टीम के आने से अफवाह से व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद कर दी। जीएसटी टीम के अफवाह से व्यापारियों में हड़कंप मचा रहा। बता दें कि किसी ने जीएसटी टीम के आने की खबर उड़ा दी थी, जिसके बाद से व्यापारियों में इसका डर देखा गया। आनन फानन में व्यापारियों ने दुकानें बंद कर दी। बताया जा रहा है कि कई घंटों बाद व्यापारियों ने अपनी अपनी दुकानें खोल दी। व्यापार मंडल अध्यक्ष मनोज शर्मा ने कहा कि जीएसटी टीम पहले व्यापारियों को नोटिस जारी कर सूचित करे, अचानक बाजार में अफरा तफरी का माहौल पैदा ना करें, अन्यथा व्यापारी का शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अहमदगढ़ में बड़ा ही बहका माहौल है, सभी दुकानदार अपनी दुकानों को बंद करके जा रहे हैं। अधिकारी अनावश्यक रूप से यहां दबाव बना रहे हैं, जो कि ज्यादातर दुकानदारों पर जीएसटी नंबर भी है, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा माहौल बना हुआ है पूरे अहमदगढ़ के अंदर। सभी दुकानदार अपनी दुकान बंद कर रहे हैं, लेकिन अधिकारी लोग आए, पूरा व्यापार मंडल हमारे अहमदनगर का पूरा व्यापार मंडल उनसे बात करना चाहता है और जो भी उनकी अगर कोई रिक्वायरमेंट है। किस समस्या को लेकर बंद किया गया?
ये जीएसटी समस्या की वजह से बंद हुआ है और खाली भय की वजह से बंद हुआ है। फिलहाल ऐसा खाली भय में ही बंद हुआ है और जीएसटी को लेकर बंद हुआ है। ऐसे ऐसा हुआ है कि लोग दुकानों को बंद करके इधर उधर जो अफरा तफरी का माहौल बन जाता है, जो बिल्कुल गलत है। मैं सबसे पहले दुकानदारों से अपील करूंगा कि जिन लोगों ने अपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराए हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन करा लें, और यदि कोई अधिकारी आते हैं तो अपनी समस्या उन्हें बताएं, यदि नहीं सुनते हैं तो मैं आपके साथ खड़ा हूं। अच्छा, दूसरे मैं ये भी कहूंगा, मान लीजिए हमने कोई नियम या कानून लेके आए हैं तो सबसे पहले तो उसको जो है सूचना देनी चाहिए दुकानदार। देवरिया के रुद्रपुर कस्बे में जमीनी विवाद के चलते कुछ लोगों ने धरना दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हीं के परिवार के लोगों ने जबरन पैतृक मकान पर कब्जे के नियत से ताला लगा दिया। दूसरे पक्ष का कहना है कि हमारे ऊपर जो आरोप लग रहे हैं वो सरासर गलत है। घटना की जानकारी के बाद मौके पर नायब तहसीलदार पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे और मामले को संज्ञान में लेकर जाँच शुरू कर दी। ये हमारा पुश्तैनी मकान है, इस पुश्तैनी मकान में 1/2 हिस्सा हमारा है, 1/2 हिस्सा हमारे पटदार का है और हमारा कब्जा है, हम लोग इसमें रह रहे हैं। हमारे पटदार ने हमको मार के घर से बाहर निकाल दिया और ताला लगा के भाग गया है। वो प्रशासन पे हम लोग गए हैं, प्रशासन तहसीलदार साहब आए थे वो भी और थानेदार साहब, वो कह रहे हैं कि आप इसको कुर्क करवा लीजिए। बताइए, हम अपने घर में रहने आए हैं, हम कुर्क करवाने आए हुए हैं। का विवाद है और वो चाहता है कि हम लोग चले जाएं और घर हमारा हथियाना चाहता है। वो हमारा पुश्तैनी जमीन जायदाद है और इसको वो हथियाना चाह रहा है। ये जो है अनूप विश्वकर्मा जी, बिल्कुल परशुराम का बेटा है, परशुराम विश्वकर्मा का बेटा है। हम लोग जो है रुद्रपुर के अपने घर के सामने बैठे हुए हैं। गाजियाबाद के लोनी पुलिस ने वाहन चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा किया है। खुलासे में पुलिस ने एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है, साथ ही उसके पास से चोरी की 3 कार और 2 मोटरसाइकिल बरामद की है। फिलहाल पुलिस पकड़े गए चोर से पूछताछ कर रही है। लोनी पुलिस द्वारा एक बहुत ही अच्छी कार्रवाई की गई है, जिसमें DLF चौकी क्षेत्र के अंतर्गत जब चेकिंग की जा रही थी तो वहाँ पर बहुत ही अच्छा कार्य करते हुए उप निरीक्षक सचिन और ललित, इन लोगों ने वहाँ पर अच्छा काम किया और एक संदिग्ध को पकड़ा, जिससे जब गहराई से पूछताछ की गई और पड़ताल की गई तो उससे पता चला कि वो एक शातिर किस्म का वाहन चोर है और उसने कई वाहन की चोरियां की हैं, जिसमें 4-पहिया और 2-पहिया वाहन दोनों ही शामिल हैं। इसका नाम, अभियुक्त का नाम नसीम मलिक है। रायबरेली में स्कूलों द्वारा बेसिक शिक्षा अधिकारी के आदेशों की अवहेलना करने का मामला सामने आ रहा है। दरअसल बेसिक शिक्षा अधिकारी की ओर से इस बार प्रसिद्ध कवि सुब्रमण्यम भारती की जन्म जयंती मनाने का आदेश जारी किया गया था, लेकिन यहां के कई प्राथमिक स्कूलों का ये आलम है कि राय आदेशों के दरकिनार करते हुए स्कूल बंद कर दिए गए। गाजियाबाद के विक्रम एनक्लेव इलाके में एक बुजुर्ग महिला बिजली के तारों की चपेट में आ गई। घटना में महिला 40% तक झुलस गई। बताया जा रहा है कि महिला घर के सामने बिजली के तार से तौलिया उतार रही थी, इस दौरान ये हादसा हुआ है। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त महिला के साथ उसकी 16 वर्षीय पोती भी मौजूद थी। गनीमत रही कि इस हादसे में वो बच गई। वहीं घटना के बाद डॉक्टर मैंक जैन ने सलाह दी, कभी भी किसी बिजली के तार को किसी भी वस्तु से टच करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, ये जानलेवा साबित हो सकता है। कपड़ा गिर गया था तार के ऊपर, पता नहीं 12 उसकी वो थी बोर्ड, तो वो लड़की कपड़ा उतार रही थी ना, तो माता जी ने ना वो जैसे कपड़ा उतार रही थी, माता जी ने उसको वाइपर पकड़ा दिया, कपड़ा हाथ भी नहीं आया जी। तो माता जी ने वाइपर पकड़ाया लोहे का बड़ा वाला, वो उससे लड़की चिपक गई। फिर अम्मा हम उनको छुड़ाने के लिए चिल्ला दी तो अम्मा के भी चोट लगा, अम्मा भी गिर गई। 70 वर्षीय एक महिला जो कि एक टॉवल थोड़ा सा सूखा हुआ था, कुछ गीला था, वो घर से उतरकर और जो सामने हाई टेंशन वायर और लो टेंशन वायर है उस पर जा गिरा। असावधानी से उन्होंने उसको एक वाइपर से उठाने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि आज की तारीख में ये सलाह दी जाती है कि जो भी आपके घर के आसपास से इलेक्ट्रिक लाइन जा रही है उसको किसी तरह से टच ना करें, किसी भी फॉर्म में आप वाइपर या कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें जिसके गीले होने की संभावना है, अगर आप उससे टच करते हैं किसी भी गीली वस्तु को तो वो आपको करंट दे सकती है, जैसा उन महिला के साथ हुआ। वो एक तेज़ इलेक्ट्रिक शॉक था उनको लगा, जबकि उनको अपनी समझ से उन्होंने एक वाइपर जैसी चीज़ जिसमें लकड़ी लगी होती है उससे उसको उतारने की कोशिश की थी, लेकिन नमी होने की वजह से उनको करंट लगा, उसके उनका पूरा बर्न हुआ और इलेक्ट्रिक शॉक उनको हाथ से होते हुए कमर से निकला।
रायबरेली जिले में तलवार से केक काटने की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। तस्वीरें वायरल होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। वायरल वीडियो सरेनी थाना क्षेत्र के गजपति खेड़ा गांव का बताया जा रहा है। मामला उजागर होते पुलिस ने लड़के के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपी फिलहाल फरार बताया जा रहा है। इस मामले में जब सरेनी थाना प्रभारी से बात की गई तो उन्होंने बताया युवक की धरपकड़ के लिए पुलिस टीम एक्टिव है। कुशीनगर में एक अनियंत्रित ट्रैक्टर ट्राली ने बाइक सवार को रौंद दिया। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने दोनों घायल व्यक्तियों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने एक व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया, वहीं एक व्यक्ति का इलाज चल रहा है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ट्रैक्टर ट्राली को जब्त कर लिया है। चालक मौके से फरार बताया जा रहा है। घटना कसिया सपहा रोड आदित्य होटल के पास बाईपास की है। उत्तर प्रदेश की खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।